भारत की केंद्र और हरियाणा सरकार की कथित मिलीभुगत कारण चंडीगढ़ च बनाए अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम एक आरएसएस आगू और हरियाणा के सबका कैबिनेट मंत्री के नाम से रखने की कवायद हुण राष्ट्रीय मुद्दा बन चुकी है। इस मामले से अज वख-वख पार्टियां दे एमपीज वल्लों पार्लियामेंट कंपलैक्स च प्रदर्शन किया गया। इस मामले से अज आम आदमी पार्टी सीपीआईएम और जनता दल यूनाइटेड दे एमपीज वल्लों प्रदर्शन किया गया। एमपी सीताराम येचुरी, डॉ धर्मवीर गांधी, मुहम्मद सलीम ते कई होरना वल्लों प्रदर्शन करके एयरपोर्ट का नाम भगत सिंह दे नाम ते रखण दी मंग कीती गई है, जबकि बीजेपी वल्लों कोशिश कीती जा रही है कि एयरपोर्ट का नाम आरएसएस लीडर मंगल सैन दे नाम ते रख्या जावे। इस गल दा कांग्रेस समेत होर पार्टियां भी विरोध कर चुकियां हन। ज्यादातर पार्टियां दे लीडर एयरपोर्ट दा नाम शहीद भगत सिंह दे नाम ते रखना चाहुंदे हन, जबकि लोग भी यही चाहुंदे हन, पर बीजेपी फिलहाल इस ते राजी नहीं है। सीपीआईएम दे लीडर सीताराम येचुरी ने भारत अते हरियाणा सरकार दी सख्त निंदा कीती है। अजीब और गरीब तरीके से हरियाणा का जो बीजेपी की सरकार आई, उन्होंने पहले हरियाणा और पंजाब सरकार दोनों ने ये माना था कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के याद में उसका नाम दिया जाएगा, लेकिन हरियाणा का बीजेपी सरकार ने उसे पलट गई और कह रहे थे कि कोई मंगल सेन है आरएसएस के प्रचारक, उनके नाम पे ये एयरपोर्ट का नामकरण होना चाहिए। और इसके चलते हुए केंद्र सरकार अब कहती है दोनों सरकारों के बीच में विवाद है और इस वजह से नाम किसी का दिया नहीं। हम समझते हैं कि ये घोर बेइंसाफी है हमारे देश के लिए, हमारे देश के शहीदों के लिए और जिन्होंने हमारे देश की आजादी के लिए लड़ा।